हेलो, कैसे हो आप सब? सो आज हम बात करेंगे 2024 क्या एक अच्छा टाइम होगा जॉब स्विच करने का, या फिर बुरा टाइम होगा, या फिर रिसेशन रहेगा या चला जाएगा। सो देखो देखो, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है अपने ऑफिस में, और कभी कभी एक दो बार क्लाइंट से भी बात हो चुका है कि क्या रिसेशन रहेगा, क्या आप लोग नया प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो, या फिर क्या होने वाला है। सो देखो, अधिकतर का यही सवाल है कि ना, दिस ईयर तो कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज देखो ये नवंबर स्टार्ट हो चुका है, ये जो मंथ इसमें है वह काम करो, बिकॉज की दिसंबर और जैन का आधा हाफ मंथ वेकेशन में चला जाता है, सब अधिकतर छुट्टी से ही लेते हैं। तो देखो, जैसे हमारे क्लाइंट से बात हो रहा था कि यार क्या प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, हिंट्स होता है ना एक छोटा बहुत, तो नो, वो लोग प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, जैन फैब या मार्च तक प्लान कर रहे हैं कि जो भी क्लाइंट इन्वेस्ट करेंगे नए प्रोजेक्ट्स पे उस समय प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो इससे क्या अंदाजा लगता है कि उनका भी सोच वैसा ही है जो हम सोचते हैं, कि ना ये ईयर थोड़ा सा मतलब दब चल रहा है, आगे वाले जो ईयर्स आएंगे ना 2024 आएंगे, उसमें मार्केट खुलने का आसार है। तो सबकी किसी का यही होप है कि यार एकदम से मार्केट खुलेगा, बट ऐसा भी नहीं है गाइस, एकदम सब सोच रहे जो 2020 और 21 वाला मार्केट था वो एक बूम पे था, वैसा नहीं होने वाला। हाँ, अभी के जो हालात है इनसे कुछ अच्छे हालात जरूर होंगे, और फरवरी के इनिशियल लेवल में, जैसे कि फरवरी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में देखना जॉब आना चालू होगा, लेकिन जो अभी का सिचुएशन है कि जॉब आ रहे हैं बहुत लोग, तो फेक पोस्टिंग भी कर रहे हैं पता नहीं क्यों, और जब उनसे बात करो तो नहीं, ओपनिंग नहीं है ऐसा बोल के। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फरवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक से जॉब आना चालू हो जाएंगे, और सभी का माइंडसेट यही है कि ये जो लास्ट मंथ और जो ईयर खत्म होने वाला है इसको रहने देते हैं, जहां है वहीं खुश है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा गाइस। तो ये मेरा थिंकिंग है, और मैंने करीब 20-25 लोगों से भी बात किया है यार कि क्या आपका सोच है, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे जूनियर्स भी, उनका मैंने थॉट लिया, और जिनका जो मैच करता है मैं थॉट आपके सामने डाल रहा हूँ, और मेरे भी कुछ एनालिसिस हैं इसमें कि मैंने भी चेक किया है और बताया है आपको, क्लाइंट का भी क्या रिव्यू होता है कि भाई अभी लॉन्च करेंगे कि अगले साल लॉन्च करेंगे, उनका भी ऐसे ही होता है कि इन्वेस्ट नहीं करना गाइस, मुझे अगले साल करना है जैन फेब में। सो देखो टोटल अगर बात करें तो मार्केट खुलेंगे 2024 में भी, बट आप ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि भाई ये 100% खुल जाएंगे जैसे कि 21-22 में था, तो ऐसा नहीं होने वाला गाइस। आप अपना जहां पे हैं देखो, अभी भी अगर आप देख रहे हो इमीडिएट ज्वाइनर हो तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बट सोच समझ के ज्वाइन करना आप। और 2024 की बात करें तो मार्केट खुलेगा और जॉब्स भी लगेंगे सबके। हाँ, बट एक चीज और मैं बोल दूं कि यार जो फ्रेशर्स हैं वो ज्यादा परेशान हैं, उनके जॉब को लेकर भी दगदगी है अभी भी और 2024 में भी रहेगी, बिकॉज की देखो जब भी मार्केट खुलता है तो जितने भी बंदे रिसेशन में जॉब को लॉस हुए हैं वो उनको पहला पकड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो उनको अधिकतर लेंगे, जैसे कि इंफोसिस का आपने न्यूज सुना होगा कि भाई मैं कैंपस सिलेक्शन नहीं करने वाला हूँ, आप जो भी एक्सपीरियंस है उन्हीं के थ्रू जाएंगे और बाकी देखते हैं 2024 में क्या हो रहा है। और हाँ, ये भी सुना होगा इंफोसिस तरफ से कि 70 घंटा काम करना होगा इन अ वीक। सो गाइज, ये एक रिसेशन के आसार थे, बट ये पॉसिबल नहीं है मेरे अंदाज से कि 70 घंटा काम कोई कर सकता है, 40-50 आवर मान सकता हूँ, बट 70 घंटा काम नहीं होने वाला गाइज, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बट ये एक ट्रेंड आ जाएगा कि आप कंटिन्यू ऑफिस आओ, जो लेक ऑफ गैप है, कम्युनिकेशन है कि बात नहीं हो पा रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, हाँ वो ठीक हो जाएगा, ताकि जिसे काम को रफ्तार मिलेगा। बट मैं अधिकतर फ्रेशर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि एक चीज है कि थोड़ा बहुत मार्केट खराब ही रहेंगे फ्रेशर्स के लिए, मुझे पता है, मैं कोई भी एक चेरी या सुगर कोटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे पॉइंट है मैं वही बात कर रहा हूँ। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए जो है मार्केट खुलेंगे और जब अपॉर्चुनिटी आएंगे, बट ध्यान रख के ज्वाइन करना गाइस कि भाई एक ही ऑफर लेके ज्वाइन किया, पता चले वो 2 मंथ बाद बेंच पर रख के निकाल दे तो ये दिक्कत हो जाएगी गाइस, इस चीज से अवॉइड करें और एक दो ऑफर लेके ज्वाइन करना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय बाय, टाटा।